हुकूमत ने एयर फोर्स जायद पर LPG की फरोख्त पर रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। अवामी रिक्शा यूनियन की लिबर्टी चौक पर रैली में सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स की शिरकत। 129 रुपए किलो वाली गैस की 160 से ज्यादा पर फरोख्त की मजम्मत। जिला इंतजामिया से मुकर्रर नरखों पर गैस की फरोख्त मुमकिन बनाने का मुतालबा। सब्जी की दुकानों पर सरकारी निर्खनामा मजाक बन गया। टमाटर 110 रुपए किलो की बजाय 140 तक फरोख्त। प्याज 80, आलू 60, लहसुन 300 और अदरक 350 रुपए किलो पर फरोख्त। ब्रायलर की रसद में बेहतरी। मुर्गी का गोश्त 16 रुपए कम होकर 210 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 131 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम। नशे के बढ़ते इस्तेमाल से पुलिस गाफिल। एक हफ्ते के दौरान मिलने वाली 10 लावारिस लाशों में से 7 नशे के ज्यादती के सबब हलाक हुए। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली लाशें रेस्क्यू 1122 ने पुलिस के हवाले की। मन चले हुल्लड़बाजों और वन व्हीलर्स होशियार हो जाएं। न्यू ईयर पर इंतजामिया और पुलिस का इन एक्शन रहने का फैसला। मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर 50 मोटरसाइकिलिस्ट हुल्लड़बाजों को रोकने के लिए ड्यूटी देंगे। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और आलमा इकबाल रोड पर भी इजाफी नफरी तैनात होगी। बगैर साइलेंसर गाड़ियां दौड़ाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 28 लाख लाहौरिये ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब। 78 करोड़ से ज्यादा जुर्माने वसूल। सबसे ज्यादा बगैर हेलमेट के 11,68,000 चालान। 1,87,000 वन वे की खिलाफ वर्जी। 1,62,000 बगैर लाइसेंस के धर लिए गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 2019 की रिपोर्ट जारी कर दी। शहर की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के दावे सिर्फ दावे। सेफ सिटी की कारकर्दगी बेनकाब। 8,000 में से 4,000 कैमरे खराब निकले। सोने पर सुहागा। अथॉरिटी खराब कैमरों की दुरुस्ती के निजाम से भी महरूम। जराइम की मॉनिटरिंग का निजाम भी जवाब दे गया। MD वासा को CEO आप पाक अथॉरिटी का इजाफी चार्ज देने का फैसला। सैयद जाहिर अजीज को वाटर सेक्टर में खिदमात पर ओहदा देने का फैसला किया गया है। लाहौरियों को मजर सेहत खुराक से बचाने के लिए फूड अथॉरिटी मुतहरक। साल 2019 में 1.25 लाख मकामात की चेकिंग। 3900 के करीब फूड पॉइंट्स नाकिस इंतजाम और खुराक पर सरबमहर। 27,000 से जायद को जुर्माने। जाली दूध के खिलाफ भी 30,000 के करीब कार्रवाइयां। PFA की रिपोर्ट जारी। बल्दिया की नाहली से अंदरून लाहौर अंधेर नगरी। तारीखी मकामात पर अंधेरों का राज। स्ट्रीट लाइट की कामयाबी के सबब तारीखी दरवाजों का हुस्न भी मान पड़ गया। अंधेरे के सबब डकैतों और राहजनों की चांदी। अंधेरी गलियों में राहगीर लूटे जाने लगे। प्रेस क्लब के इंतखाबात के लिए वोटर्स और उम्मीदवारों का जोश खरोश उरूज पर। पोलिंग जारी। जर्नलिस्ट पैनल और प्रोग्रेसिव ग्रुप में कांटे का मुकाबला। सदर की नशिस्त पर अरशद अंसारी और जाहिद गोगी मद मुकाबल, जबकि सेक्रेटरी के लिए बाबा डूगर और जाहिद आबिद आमने सामने। सिटी पॉलिटू के कजाफी बर्ड जर्नलिस्ट पैनल की जानब से नायब सदर के उम्मीदवार। 2,500 से ज्यादा मकामी सहाफी शाम 6 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इंशाल्लाह ताला यही वो पैनल है, जर्नलिस्ट पैनल कामयाब होकर फेज़ 2 का इंशाल्लाह ताला हम एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं। मैं फेज़ 2 के अपने जितने नौजवान हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि इंशाल्लाह आज रात जब जर्नलिस्ट पैनल की कामयाबी की फतह का ऐलान होगा तो इंशाल्लाह ताला फेज़ 2 का भी मकीनों का ऐलान हो जाएगा। हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ी सहूलत है जिसके अंदर आपको 5.5 लाख तक की फैसिलिटी मिलेगी कि आप क्या अगर कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है तो आप उसका इलाज मुआवजा जो है वो अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। तमाम जर्नलिस्टों को यकीन दिलाता हूँ अगर अल्लाह पाक ने इज्जत दी, कामयाबी दी, तो हम उन लोगों की मेम्बरशिप करवाएंगे कि जो जर्नलिस्ट हैं वर्किंग फील्ड के अंदर है और उनको मेंबरशिप नहीं मिली। जब भी सहाफियों की डेवलपमेंट की बात हुई है, उनकी बेहतरी की बात हुई है, तो उसमें अगर सबसे पहले कोई नाम आपके सामने आता है तो वो अरशद अंसारी का आता है। 2019 का डूबता सूरज और तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत। वज़रा से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक तब्दीलियों और तबादलों की जद में रही। बे इत्मीनान बख्श कारकर्दगी और पसंद नापसंद पर वज़रा के कलमदान 1 से ज्यादा बार तब्दील। IG की पोस्ट पर 5 बार तब्दीली। चीफ सेक्रेटरी से लेकर वजारतों के सेक्रेटरी तक सब तब्दील हो गए।
धुंध की वजह से ट्रेन और परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम। कराची और लाहौर से आने वाली ट्रेन 9 घंटे ताखीर का शिकार। कराची के लिए कराकरम एक्सप्रेस 3 के बजाय 9 बजे रात रवाना होगी, जबकि कराची एक्सप्रेस 5 की बजाय 6:30 बजे रवाना होगी। मिलत एक्सप्रेस 6.25 घंटे, पाकिस्तान एक्सप्रेस 4.5 घंटे ताखीर से पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली 19 परवाजें मुतासर हैं, 12 मनसूख और 7 ताखीर का शिकार। पंजाब में 8 नई यूनिवर्सिटीज तालीम के फरोग में मददगार होंगी। नई यूनिवर्सिटीज पर रवां साल काम शुरू कर दिया गया है। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का ट्वीट, कहा यूनिवर्सिटीज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कायम की जा रही हैं। और साफ पानी प्लांट्स की तंसीब पर गवर्नर चौधरी सरवर का ग्रुप लीडर एप्रमा गौहर एजाज को खराज तहसीन। टोकर न्याज बेग बैतुल फाजल तकरीब में आमद। गवर्नर पंजाब बोले, साफ पानी के प्लांट्स लगाने के लिए डोनर्स और कारोबारी शख्सियात का ताबुन दरकार है। ग्रुप लीडर एप्रमा गौहर एजाज और उनके साथी ने काम पर मुबारकबाद के मुस्तहिक। हुकूमती निरखों से जायद पर LPG की फरोख पर रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। अवामी रिक्शा यूनियन की लिबर्टी चौक पर रैली में सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स की शिरकत। 129 रुपए किलो वाली गैस की 160 से ज्यादा पर फरोख की मजम्मत। जिला इंतजामिया से मुकर्रर निरखों पर गैस की फरोख मुमकिन बनाने का मुतालिबा। सब्जी की दुकानों पर सरकारी निरखनामा मजाक बन गया। टमाटर 110 रुपए किलो की बजाय 140 तक फरोख। प्याज 80, आलू 60, लहसुन 300 और अदरक 350 रुपए किलो पर फरोख। ब्रायलर की रसद में बेहतरी। मुर्गी का गोश्त 16 रुपए कम होकर 210 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 131 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम। नशे के बढ़ते इस्तेमाल से पुलिस गाफिल। एक हफ्ते के दौरान मिलने वाली 10 लावारिस लाशों में से 7 नशे के ज्यादती के सबब हलाक हुए। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली लाशें रेस्क्यू 1122 ने पुलिस के हवाले की। मन चले हुल्लड़बाजों और वन व्हीलर्स होशियार हो जाएं। न्यू ईयर पर इंतजामिया और पुलिस का इन एक्शन रहने का फैसला। मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर 50 मोटरसाइकिलिस्ट हुल्लड़बाजों को रोकने के लिए ड्यूटी देंगे। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और आलमा इकबाल रोड पर भी इजाफी नफरी तैनात होगी। बगैर साइलेंसर गाड़ियां दौड़ाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 28 लाख लाहौरिये ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब। 78 करोड़ से ज्यादा जुर्माने वसूल। सबसे ज्यादा बगैर हेलमेट के 11,68,000 चालान। 1,87,000 वन वे की खिलाफ वर्जी। 1,62,000 बगैर लाइसेंस के धर लिए गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 2019 की रिपोर्ट जारी कर दी। शहर की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के दावे सिर्फ दावे। सेफ सिटी की कारकर्दगी बेनकाब। 8,000 में से 4,000 कैमरे खराब निकले। सोने पर सुहागा अथॉरिटी खराब कैमरों की दुरुस्ती के निजाम से भी महरूम। जराइम की मॉनिटरिंग का निजाम भी जवाब दे गया। MD वासा को CEO आप पाक अथॉरिटी का इजाफी चार्ज देने का फैसला। सैयद जाहिर अजीज को वाटर सेक्टर में खिदमात पर ओहदा देने का फैसला किया गया है। लाहौरियों को मजर सेहत खुराक से बचाने के लिए फूड अथॉरिटी मुतहरक। साल 2019 में 1.25 लाख मकामात की चेकिंग। 3,900 के करीब फूड पॉइंट्स नाकिस इंतजाम और खुराक पर सरबमहर। 27,000 से जायद को जुर्माने। जाली दूध के खिलाफ भी 30,000 के करीब कार्रवाइयां। PFA की रिपोर्ट जारी। बल्दिया की नाहली से अंदरून लाहौर अंधेर नगरी। तारीखी मकामात पर अंधेरों का राज। स्ट्रीट लाइट की कामयाबी के सबब तारीखी दरवाजों का हुस्न भी मान पड़ गया। अंधेरे के सबब डकैतों और राहजनों की चांदी। अंधेरी गलियों में राहगीर लूटे जाने लगे। प्रेस क्लब के इंतखाबात के लिए वोटर्स और उम्मीदवारों का जोश खरोश उरूज पर। पोलिंग जारी। जर्नलिस्ट पैनल और प्रोग्रेसिव ग्रुप में कांटे का मुकाबला। सदर की नशिस्त पर अरशद अंसारी और जाहिद गोगी मद्दे मुकाबल, जबकि सेक्रेटरी के लिए बाबर डूगर और जाहिद आबिद आमने सामने। सिटी पॉलिटू के कजाफी बर्ड जर्नलिस्ट पैनल की जानब से नायब सदर के उम्मीदवार। 2,500 से ज्यादा मकामी सहाफी शाम 6 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इंशाल्लाह ताला यही वो पैनल है, जर्नलिस्ट पैनल कामयाब होकर फेज 2 का इंशाल्लाह ताला हम एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं।
मैं फेस टू के अपने जितने नौजवान हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाल्लाह आज रात जब जनरल पैनल्स की कामयाबी की फतह का ऐलान होगा तो इंशाल्लाह ताला फेज़ टू का भी मकीनों का ऐलान हो जाएगा। हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ी सहूलत है जिसके अंदर आपको 5.5 लाख तक की फैसिलिटी मिलेगी कि आप क्या अगर कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है तो आप उसका इलाज मुआवजा जो है वो अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। तमाम जर्नलिस्टों को यकीन दिलाता हूँ अगर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, कामयाबी दी, तो हम उन लोगों की मेम्बरशिप करवाएँगे कि जो जर्नलिस्ट हैं वर्किंग फील्ड के अंदर है और उनको मेंबरशिप नहीं मिली। जब भी साफियों की डेवलपमेंट की बात हुई है, उनकी बेहतरी की बात हुई है, तो उसमें अगर सबसे पहले कोई नाम आपके सामने आता है तो वो अरशद अंसारी का आता है। 2019 का डूबता सूरज और तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत वज़रा से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक तब्दीलियों और तबादलों की जद में रही। बे इत्मीनान बख्श कारकर्दगी और पसंद नापसंद पर वज़रा के कलमदान एक से ज्यादा बार तब्दील। आजी की पोस्ट पर 5 बार तब्दीली, चीफ सेक्रेटरी से लेकर वजारतों के सेक्रेटरी तक सब तब्दील हो गए। धुंध की वजह से ट्रेन और परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम। कराची और लाहौर से आने वाली ट्रेन 9 घंटे ताखीर का शिकार। कराची के लिए कराकरम एक्सप्रेस 3 के बजाय 9 बजे रात रवाना होगी, जबकि कराची एक्सप्रेस 5 की बजाय 6:30 बजे रवाना होगी। मिलत एक्सप्रेस 6.25 घंटे, पाकिस्तान एक्सप्रेस 4.5 घंटे ताखीर से पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली 19 परवाजें मुतासर हैं, 12 मनसूख और 7 ताखिर का शिकार। पंजाब में 8 नई यूनिवर्सिटीज तालीम के फरोग में मददगार होंगी। नई यूनिवर्सिटीज पर रवां साल काम शुरू कर दिया गया है। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का ट्वीट, कहा यूनिवर्सिटीज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कायम की जा रही हैं। और साफ पानी प्लांट्स की तंसीब पर गवर्नर चौधरी सरवर का ग्रुप लीडर एप्रमा गौहर एजाज को खराज तहसीन। टोकर न्याज बेग बैतुल फाजल तकरीब में आमद। गवर्नर पंजाब बोले, साफ पानी के प्लांट्स लगाने के लिए डोनर्स और कारोबारी शख्सियात का ताबुन दरकार है। ग्रुप लीडर एप्रमा गौहर एजाज और उनके साथी ने काम पर मुबारकबाद के मुस्तहक।